हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम खमन ढोकला बनाने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट होने वाला है। जैसा खमन ढोकला हम लोग मार्केट में खाते हैं, उसी तरीके से सेम हम लोग आज खमन ढोकला बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए हम लोग टू स्टेप्स में इसको बनाएंगे। फर्स्ट हम लोग इसका इंस्टेंट प्रीमिक्स बनाएंगे, जो कि हम लोग मार्केट से लेके आते हैं, और उसके बाद में हम लोग उसको प्रॉपर कैसे बनाना है विथ इस तड़का कि हम लोग कैसे बना सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सब लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। इस मिक्सिंग बाउल में हम लोग ऐड करेंगे ग्राम फ्लावर। हम लोगों को 1.5 कप ग्राम फ्लावर ऐड करना है। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सेमोलिना सूजी, 1 बड़ा चम्मच सूजी डालनी है, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी है, इससे ज़्यादा हल्दी हम लोग इसमें नहीं डालेंगे, अदरवाइज इसका कलर लिटिल बिट रेड सा हो जाएगा। सॉल्ट, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टेबल स्पून शुगर, चीनी, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये हमारा इंस्टेंट खमन प्रीमिक्स रेडी हो चुका है, और इससे हम लोग को जब भी बनाना हो हम लोग खमन ढोकला इजीली बना सकते हैं, और इसको स्टोर करके हम लोग 1 मंथ तक फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी हमारे घर पे गेस्ट आए हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं हमें आगे क्या करना है। आगे जब भी हमें इसे बनाना हो हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे, और पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, और उसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे ताकि बैटर सही कंसिस्टेंसी में। इसलिए थोड़ा 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 पानी ऐड करके हम लोगों को उसको मिक्स करना है। इसमें जब हमने मिलाया तब अप्रॉक्स 1 कप पानी हमारा इसमें लग चुका है, और उसके बाद में देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी, और इस कंसिस्टेंसी में इसे हमें छोड़ देना, बिकॉज बाद में हम लोग इसमें यूनो बनाएंगे मिलाएंगे तो इससे और भी पतला हुआ है थोड़ा। तो इस कंसिस्टेंसी में प्रॉपर सारे लम्स खत्म करके हम लोग इसको मिला लेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, इसके सारे लम्स हम लोग खत्म कर लेंगे मिक्स करके। उसके बाद इसे कवर करके हम लोग 20 मिनट्स के लिए रेस्ट। ट्वेंटी मिनट्स हो गए हैं, हमारा बेटर रेडी है। हम लोग इसे चेक करते हैं एक बार। ये देखिए एकदम सही परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बेटर है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें बचे हुए जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं हम लोग ऐड करते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 टीस्पून लेमन जूस, नींबू का रस, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून इनो सॉल्ट, फ्रूट सॉल्ट है ये, और अगर आप लग पैकेट से लेते तो 1 पैकेट आपको इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट का ऐड करना है। उसके बाद इसे जल्दी से हम लोग मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम लोग उसको ज़्यादा नहीं रखेंगे, अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे, और इससे उसमें बहुत अच्छा सा स्पॉन्ज आ जाएगा, और ये बैटर डबल हो जाएगा, फूल करके अच्छे से डबल हो जाएगा। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, स्पून कोटिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चम्मच से गिरा के देखें तो अच्छे से गिर जाए। इस तरीके का हमारा बैटर बनके रेडी हो जाएगा, इसे हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, और ये हमारा परफेक्ट बैटर रेडी हो गया। अब इसे हम लोग साइड कर देंगे फटाफट से, और उसके बाद एक ट्रे लेके या फिर जिस भी चीज़ में आप लोग इसे बनाना चाहते हैं, आपके पास जो भी है, मेरे पास स्टीमर अवेलेबल है स्टैंडर्ड प्रॉपर, तो मैं इसमें बना रही हूँ, या फिर आपको जिस भी चीज़ में बनाना है आप लोग उसमें थोड़ा सा ऑयल लेंगे, और इसे उस ट्रे को ग्रीस करेंगे। ग्रीस होने के बाद में हम लोग फटाफट से हमारा जो खमन है बेटर मिक्स है उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार फिर से, और इस तरीके की परफेक्ट कंसिस्टेंसी का ये होना चाहिए, और इसके बाद हम लोग इसे हमारे स्टैंड में पोर कर देंगे। आपके पास जो भी चीज़ है स्टीमर है, जो भी आपके पास केक मोल्ड है, आप लोग उसमें इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसे हम लोग ऐसे टैप करेंगे थोड़ा सा, और ये हमारा प्रॉपर रेडी हो चुका है बैटर, और हम इसे कुक करने के लिए रखते हैं गैस पर। मैंने इसे स्टैंड में लगा दिया है, और अब इसे हम लोग गैस पर चढ़ा के 20 मिनट्स से प्रॉपरली कुक करेंगे। 20 मिनट्स के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। 20 मिनट का टाइम लगेगा, और 20 मिनट में ही रेडी हो जाएगा।
देखिए 20 मिनट्स में हमारा खमन ढोकला बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। इसको चेक करने के लिए प्रॉपरली पका है या नहीं पका, इसके लिए हम लोग नाइफ लेंगे और इसमें इसको इंसर्ट करके देखेंगे। ये देखिए एकदम क्लीन आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपरली परफेक्टली रेडी हुआ है और परफेक्टली कुक हो गया है। तो अब हम लोग इसका तड़का बनाएंगे, इसको साइड में करेंगे, इसको ठंडा करके इसको डीमोल्ड करेंगे एक प्लेट में, तब तक हम लोग इसके तड़के की तैयारी कर देते हैं। इसका तड़का तैयार करेंगे, तड़का तैयार करने के लिए हम लोग एक पैन लेंगे, उसको गर्म करेंगे, उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम लोग इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स फ्राई पाउडर डालेंगे, वन टीस्पून सेसमे सीड्स तेल दाने, अगर आपके पास तेल के दाने नहीं तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर इन्हें थोड़ा फ्राई करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें लंबी कटी हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च ऑयल में थोड़ा फ्राई करेंगे, अब इसमें पानी डालेंगे, आधा कप जितना पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थ्री से फोर स्पून शुगर चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से इसमें मिक्स करके इसमें बॉईल लेंगे। तड़का रेडी हो गया, अब हम लोग गैस ऑफ करेंगे। देखिए इस खमन ढोकले को हमने डीमोल्ड कर लिया है और इसको प्लेट में निकाल लिया है और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्ज भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अब इसको हम लोग काट लेते हैं और फिर इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। अब हम लोग तड़का इसके ऊपर डालते हैं अच्छे से। उसको हरा धनिया डाल के गार्निश करेंगे। ये ढोकला हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है।